यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नॉन गैजेटेड रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला हो गया है। पिछले साल भी कर्मचारियों को इतना ही बोनस दिया गया था। रेल कर्मचारियों के संगठनों के बाद बातचीत के बाद रेलवे बोर्ड ने 2017-18 के लिए अपने कर्मचारियों को उत्पादकता लिंक बोनस के रूप में 78 दिनों के बोनस का प्रस्ताव किया था। हर साल दशहरा से पहले 12.26 लाख रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाता है। इन कर्मचारियों में रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारी शामिल नहीं होते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन महासचिव एम राघवन ने कहा कि रेलवे ने पिछले साल की आय से 16,000 करोड़ रुपए ज्यादा की कमाई की है। इसके साथ ही इस साल 1,16,10,00,000 टन की रिकॉर्ड ढुलाई है, इसलिए हमने 80 दिनों के बोनस की मांग की थी, लेकिन अंत में हम 78 दिनों पर राजी हो गए। हर कर्मचारी को 18,000 रुपए के आसपास बोनस के रूप में मिलेंगे। ये लगातार 7वां साल होगा जब कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। रेलवे के नॉन गजेटेड इंप्लॉयज को हम प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देते हैं, तो इस बार देश के 11.91 लाख नॉन गजेटेड रेलवे इंप्लॉयज को हम 78 डेज का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने जा रहे हैं देश भर में।